निशान फ्रॉम शमा इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी के और शमा इलेक्ट्रॉनिक्स सरगोधा के प्लेटफॉर्म पे ऊपर जो है डॉलन्स का यहाँ पर हमारे पास IoT इन्वर्टर जो है वो आ चुका है, जिसमें हम आपको बताते चलें कि हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी टर्किश रेफ्रिजरेटर जो तुर्की के रेफ्रिजरेटर ने डॉलन्स कंपनी ने बेसिकली निकाली है, जिसके अंदर आप के उसके अंदर टच पैनल जो है वो दिया गया और उसके साथ साथ जो है आपको इसके अंदर और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो दी गई है। अभी हम आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, उसके बाद आपको इसके फीचर्स का बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे फ्रिज की जो है अनबॉक्सिंग हो चुकी है और अनबॉक्सिंग में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का वाइस फ्रिज है जो IoT इन्वर्टर है। IoT का मतलब बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर आप कहीं पे भी बैठ के अपने फ्रिज को जो है कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। और दूसरी मज़े की बात यह है कि ये इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजेंटली जो है अपने आप को खुद ही कंट्रोल करेगा, जिसमें ये अपने टेम्परेचर को जो है खुद ही कंट्रोल करेगा। फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री तक लेके जाएगा और फ्रीज़र का टेम्परेचर जो है -24 डिग्री तक लेके जाएगा। और सबसे तीसरी बात जो सबसे मज़े की है कि कस्टमर केयर जो है ना, अगर इस फ्रिज में कोई ख़राबी होती है तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर केयर वाले होंगे ना, उनको ये नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आपके इस फ्रिज के अंदर ख़राबी है और ये आपका एड्रेस है, और वो खुद आपके घर में आके बगैर आपके फ़ोन के आपके फ्रिज का मसला हल करके जाएंगे। तो ये बेसिकली IoT इन्वर्टर होता है। यहाँ पर इसको टच टेक्नोलॉजी जो है टच पैनल दिया गया जो बेसिकली अनब्रेकेबल टच है, जिसकी यहाँ पर आपको 12 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। इसमें हमारे यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन है, इसमें हमारे पास लॉक का ऑप्शन है, चाइल्ड लॉक ऑप्शन है, कूलिंग वगैरह मोड के ऑप्शन है, उसके अलावा डिफरेंट मोड जो है वो इसके दिए गए। इसमें बेसिकली 4 मोड आते हैं, इसमें कूलिंग फैन मोड आता है, उसके अलावा इसके अंदर कूलिंग सुपर मोड आता है, उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास सनलाइट मोड आता है, और यहाँ पर इको फ्रेंडली मोड आता है। तो यहाँ चारों मोड जो है बेसिकली यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत फ्रिज जो है शमा इलेक्ट्रॉनिक्स सरगोधा के प्लेटफॉर्म पर जो है अवेलेबल है, और अंदर से भी आपको दिखाते चलते हैं कि इसकी कैपेसिटी कैसी है। कैपेसिटी वाइज आप देखेंगे तो कैपेसिटी वाइज जो रेफ्रिजरेटर है वो आउटस्टैंडिंग क्वालिटी में जो है वो इन्होंने बनाया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि नीचे से भी इसके अंदर बकायदा पावर कूल की डिवाइस जो है वो इंटीग्रेट की गई है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर बकायदा फ़ैन टेक्नोलॉजी जो है वो दी गई है, सारा डोर फिल्टर लगाया गया है। साइड पर शेल्फ्स वगैरह जो है वो अच्छी हैं, इसके अंदर आपने जो शेल्फ क्वालिटी है बहुत अच्छी किस्म की दी गई है। तो नेचर लॉक सिस्टम भी दिया गया है, जहाँ पर आपका जो फूड होगा, जो भी आप वेजिटेबल्स रखेंगे, वो आपकी जो होंगी वो बिल्कुल ऐसे रहेंगी जितना फ्रेश है, और विटामिन फ्रेश के ऑप्शन के साथ है। डुअल LED लाइट पैनल है, एक LED पैनल यहाँ लगा हुआ है, एक LED पैनल यहाँ लगा हुआ है, ऊपर भी एक LED पैनल दिया गया ताकि आपको अंधेरे के अंदर अच्छी रोशनी जो है वो विजिबल हो सके। तो बहुत खूबसूरत फ्रिज जो है डॉलन्स कंपनी ने लॉन्च की है। इसकी शॉपिंग करने के लिए शमा इलेक्ट्रॉनिक्स सरगोधा पर जो है विजिट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।